कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जूरिडिक्शन में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बीडीसी भी है, डीडीसी भी है, पंच भी है, सरपंच भी है, वो छोड़ के खाली जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में आता है उसके लिए हमारे पास जो फंड्स आए थे वो आए थे 38.63 करोड़। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से 31 करोड़ रुपीज लगे हैं दो कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में 31 करोड़ रुपीज लगे हैं उसमें से 4-5 करोड़ रुपए वहां लगे जो ग्रीन बैलेट है, जहां पे हम मैग्नमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए शहर की हालत क्या खस्ता हाल है, मैग्नमाइजेशन नहीं हुआ है हर एक जगह पे। अगर 38 करोड़ रुपीज 63 लाख रुपीज आए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 74 वार्ड्स में, लेकिन बदकिस्मती से ये 31 करोड़ रुपीज खाली दो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल में। क्या हबाकदल के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नमाइजेशन हो जाए? क्या बटामालो के लोग नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नमाइज हो जाए? खानियार के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नमाइज हो जाए? यहाँ भेमना के लोग जो है वो नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नमाइज हो जाए? आप देखे नटीपोरा, छानपोरा बाईपास, वहां पे मैग्नमाइजेशन नहीं हुई है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स आया है, स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स दिया है, उसको मिसयूज किया गया है। आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये फंड जो है इसको अप्रूवल किसने दिया है? 1 करोड़ से ज्यादा अगर एसएमसी में, 1 करोड़ तक कमिश्नर साहब खुद अप्रूवल दे सकते हैं। अगर 1 करोड़ से ज्यादा किसी चीज को अप्रूवल चाहे उसके लिए आपको काउंसिल बुलानी है, काउंसिल में उसको अप्रूवल देनी है, काउंसिल में पास करना है। अगर आप काउंसिल नहीं बुला सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी बुला सकते हो। मैं एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। एक्शन प्लान किसने बनाया इसका कोई पता नहीं है, अप्रूवल किसने दिया इसका कोई खबर नहीं है। एलसीएम से हमने आरटीआई करके ये बोला है कि आपका जो ग्रीन बैलेट है वहां पे मैग्नमाइजेशन हुई है, क्या आप लोगों ने एनओसी दी है? उन्होंने कहा हमारे ऑफिस से कोई एनओसी नहीं मिली है, जबकि वहां पे भी मैग्नमाइज हुआ है। अगर एक गरीब इंसान चाहता है जो ग्रीन बैलेट में रहते हैं ऑलरेडी पिछले 70 साल से, अगर वो चाहेंगे हम वहां पे वॉशरूम बनाए, उनको वॉशरूम बनाने के लिए इजाजत नहीं है। सरकार ने कैसे ग्रीन बैलेट में मैग्नमाइजेशन की है आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बार बार उन्होंने सरकार से गुजारिश की, लेकिन लगता ये था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एलिगेशन ये दी जा रही थी शायद ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। आप देखो जो 38 करोड़ में से 31 वहां लगे, जो रेस्ट 7 करोड़ 63 लाख भी जो पूरे श्रीनगर में लगा उसमें से आप देखो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने घरों में मैग्नमाइज किया। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने एरिया में देखिए क्या उनके एरिया में मैग्नमाइज हुआ है। आप जो शहर में देखते हो मैग्नमाइज, ये खाली 7 करोड़ का हुआ है। अगर 31 करोड़ पूरे श्रीनगर में लगता कहीं पे मैग्नमाइज की जरूरत ही नहीं है। ये स्कैम है, ये अप्रूवल किसने दी है हम कमिश्नर साहब को पूछना चाहते हैं, यहाँ की एजेंसीज को, एसीबी को कहना चाहते हैं कि एलजी साहब से गुजारिश है कि आप प्रॉप करें, आप एक तुरंत एक टीम बनाइए, आप प्रॉप करें, इसको अप्रूवल किसने दिया है। सेकंड ये है कि अभी रिसेंटली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हुपर गाड़ियां लाई है ताकि वो हुपर उठाए, वो 27 करोड़ रुपीज के अप्रूवल वो किसने दी है, वो किस कंपनी पर लाई है, क्या उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूवल दी है, क्या उसको काउंसिल में बुलाया गया है, काउंसिल में इसका डिस्कस हुआ है? जब से कॉरपोरेशन बनी है एक्ट के मुताबिक हर महीने हमें एक काउंसिल बुलानी है। आज 4 साल हो गए, 4 साल में हमने खाली 16 काउंसिलें बुलाई है, 16 में से 9 काउंसिलें इलेक्शन की थी, बची 7 काउंसिल। काउंसिल अब हमें इनका एक्सक्यूज ये है कि जनाब अगर हम काउंसिल बुलाते हैं वहां पर हंगामा होता है। हंगामा तो होगा, ये तो ऑफिसर अकाउंटेबल है। हम तो एक्जन सिटी को बोलेंगे जो खालिद साहब है उसने ये अप्रूवल कैसे दी, उसने इन जो ब्यूरोक्रेट से उनके घर में मैग्नमाइज किया है। हम जनाब ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते या तो ये काउंसिल को डिजॉल्व करें। मेन मुद्दा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हम चाहते हैं कि ये काउंसिल डिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये वन मैन आर्मी, एक बंदा पूरी काउंसिल को उसने हाईजैक करके रखा है। या तो काउंसिल को डिजॉल्व की जाए या तो कॉरपोरेटर को एम्पावर मिलनी चाहिए, हर महीने में काउंसिल लगनी चाहिए। इनका एक्सक्यूज है जनाब काउंसिल लगती है वहां पे हंगामा होता है। क्या पार्लियामेंट में हंगामा नहीं होता है? क्या असेंबली में हंगामा नहीं होता है?
जो ये ऊपर लाए गए हैं उसके लिए इन्होंने आउटसोर्स किया था, 200 बंदों को हमें ड्राइवर लगाने हैं, उसका टेंडर हुआ है, जिस बंदे को टेंडर हुआ उसने पैसे नहीं दिए, इन्होंने रिटेंडर करवाया, बोला आप इलिजिबल नहीं हो, अब फिर से टेंडर हुआ है, अब जो इलिजिबल है उसको नहीं देते टेंडर। ये इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं, हम आपके माध्यम से सरकार को ऑनरेबल, या तो ऑनरेबल एलजी साहब को नॉलेज में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब को नॉलेज में नहीं है, धीरज गुप्ता जी को नॉलेज में नहीं है, या तो वो डेलिबरेटली इन चीजों के करने में वो भी मुलवस है। ये जो बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है इसका अप्रूवल किसने दिया है, एक्शन प्लान किसने बनाया है, और ग्रीन बैलेट में किसने एलो किया है, वहां पे मैग्नमाइज किया।